ये सभी फुल चार्ज, ये चीफ जस्टिस, ये जनाब मेजर, ये कर्नल, ये जनरल ब्रिगेडियर, ये जनाब फुल जनरल, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जितने बनते हैं इन साजा की बदौलत बनते हैं। उस्ताद वही कहा जाता है बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा ये पाकिस्तान में जितने आला औहदों पे अफसर बैठे हैं इनको मैं बोलूंगा कि आप पे भी मुझे अफसोस है, शिफ्ट वाली यू कहने को दिल करता है कि आप मार रोड पे असाजा को बैठाकर एहतजाज पे मजबूर कराते हैं। तुम्हें तो चाहिए था इनसे पढ़ कर गया, इनके कालजों में चाकर कहते सर जी आपका शेर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, मेरे लिए हुक्म है तो बताओ आपका दिया हुआ फैज तो हम प्राइम मिनिस्टर बने, सीएम बने, जज बने, आर्मी चीफ बने, आप पाकिस्तान के आला ब्यूरोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट में गए। उस्ताद जी आप हुक्म करें, आपका शेर आज भी आपका नौकर है क्योंकि तुमने वो फैज मुझे दिया है जो मुझे कायनात में कोई नहीं दे सकता। मगर बदकिस्मत ये पाकिस्तान की कि जिन उस्तादों से हमने इल्म हासिल किया उनको रोड पे बैठाकर हम हक नहीं देते। ये कितनी हमारी बस्ती है, पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हर कॉलेज में जाकर कहेगा सर जी आपके क्या मसाइल है, मैं आपके दरवाजे से हल करने के लिए आया। अपने कॉलेज में जरूर जाएंगे और अपने उस्ताद से पूछेंगे मेरे लायक क्या होगा। सभी बोले कौन कौन अपने कॉलेज में पहुंचे गए सर जी मैं ऑफिस से बन गया हूँ मेरे लायक होगा। इंशाल्लाह जैसे रात को मोबाइल पे कहते हो ना प्लीज love you mera chaan mera matlab meri bhalai ha I miss you mera chaan main adhor jaakar bhi kahunga ki tere jaisa chaan mainu kithe nahi lagta love you jitne liye mere chaan hai aap se hi to meri bahar hai kyunki aap mujhe chahte hain na to aap na chahte ho to principal sahab ne mujhe yahan bulana main bhi utthe kulfiyan bejte hona si ये सब आप मेरे चाहने वाले हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। ये मेरे चाँद की कितनी प्यारी कटिंग है नाई भी मेरे को दिल कर रहा मेरा चाँद कसमे बाल बड़े सोने ज्यादा लोगों का पुरुष हो जाए ना मेरे चलो मेरे मखनों ऐसी कटिंग ना कराओ कि तुम बड़े लिखे बंद बैठ के मयूब लगो ऐसी कटिंग कराओ जितों लगो लोग तुम कापी करके मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहे हैं। अपने नबी के लिए क्लापिंग तो कर रहे ना अभी आवाज नहीं हुजूर के लिए तो इतना प्रोटोकॉल होना चाहिए था कि मुझे जाना पड़ता था मैं हुजूर का पड़वे को क्या पता है हीरे की कदर तो चोरे को होती है, सोने की कदर सुनहरे को होती है, फसल की कदर किसान को होती है। हाँ जी मैं जितने बैठे उस फ्रांस के पड़वे को क्या पता है जादिये जहारे राय में कहता है कि जो मर्जी को खाके बनाए मैं रोक नहीं सकता। उसको क्या पता है कि जिस नबी के बारे उसने ये कहा है कि मैं रोक नहीं सकता वो नबी तो अपनी मस्जिद में आए हुए ईसाई को भी कहता है कि इधर ही इबादत कर लो मेरे दिल में आपके लिए भी जगह मौजूद है। आज जितने मुसलमान हैं जिनकी बस्तों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए जगह
मेरे बच्चों ये आपकी इज्जत है, अपने दोस्तों को अपनी बहनों के सामने मत खड़ा करके डांस कराया करो। क्या आप पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि मोहम्मद अरबी के गुलामों का ये किरदार हो गया है कि जिसके नबी का किरदार था कि हाकिम भाई एक ईसाई था, उसकी बेटी मुस्तफा के पास मौला अली पाक माने गनीमत में लेकर आए, तो जब हजूर की नजर पड़ी तो आपने फरमाया कि दाएं इसको कर दो, और आपने अपनी काली कमली उतार कर इस तरह उसके सर पे दे दी, और आपके यारों ने कहा यार सुना ये तो काफिर की बेटी है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तीन काफिर दी हुए तीन मुस्लिम दी हुए तीन सदियां सदियां होंदियां ने वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जितना तुम इस मोबाइल के साथ अटैच हो ना, कभी तुम कुरान के साथ अटैच हो तो तुम वली हो जाओगे। हमने कुरान से अटैचमेंट की क्या कि मैं कई बंदे देखे नमाज पढ़ के भी ना सलाम करने के बाद उससे बड़े मोबाइल पढ़ेंगे किसी का मैसेज नहीं है उससे सॉरी सॉरी यार मोबाइल पे अल्लाह माफ करे। मैं चलो की दसा ना मुंडिया ने पहला की गल, मैं रात 2 बजे जलसे तो वापस आया तो मैनू राह ना लगे, मेरा नैट पैक खत्म होया, लोकेशन ना लाई, मैं उन्होंने कहा यार राह दसी, कहना मौलवी जी तुम नैट ट्रक पैक करके लोकेशन ला लो, मैं कह यार तेरे को पूछना, कहता जी मैं तो आप ऐसे में लोड लगन आया 2:30 बजे लोड लगन आया, पता नहीं किन्नी कु मजबूरी सी। मेरे बच्चों जिड़ी कौम रस्ते नैट पैकेज ढूंढे की बने जितने मेरे बच्चे अच्छा चोरी भी किस तरह की करते हैं, जितने बैठ के ना पूछेंगे इसका पासवर्ड की है, वाईफाई का पासवर्ड की है, मेरे बच्चों क्या आपको हो गया है, ये मोबाइलों से इतनी आपको मोहब्बत हो। अच्छा मैं आपको ये बात पूछने लगा कि अब वन जनरेशन ये मोबाइल पे फोन आता था जाता था, इसने मोबाइल ने अपना मकसद नहीं भूला, उन्होंने 2G बनाई क्या उसमें मैसेज आने लग पड़ा मैसेज आने लग पड़ा, मगर जब कॉल आती थी ना ओए मेरा चार वजह मेरा चार मेरी माँ उनके प्लीज आई अब अभी दिलावा ना समझ हैं ना मेरा चन चन आई एम एट सीरियल कॉलेज तो मेरा चन है मोबाइल नहीं मेरे सामने चलाना, मेरे बच्चों इस मोबाइल ने मुंडिया की अद्धिया सहूलत सुखाती हैं, ऐसा देख लो रंग लाल इधर वेखो लाल इन्हें बचपन च मोबाइल नहीं चलाया है, मुंडिया ने चलाया तो देख लो जिमें यकान होया जिन्हें सारी सारी मोबाइल चलाने मेरा डिस्टर्ब हो जितने बच्चे बैठे हैं जितनी मेरी बेटियां हैं, अच्छा फिर मैं हरवाना कहते नहीं
मुझे मजबूर करती है, अल्लाह की कसम है वो पढ़ती है तो फर्स्ट पोजीशन लेती है, आप बेटी पे रहते हैं तो फिर बेटी भी रहते हैं, बेटी पे मत रहो मेरे बच्चों। ये लड़कियां पाकिस्तान में क्यों फर्स्ट पोजीशन ले रही है, उसकी वजह है आप सिर्फ एक लफ्ज याद किया हुआ है, मैं आपकी खतर में मर जाऊंगा, चूहे मार गोली खा लूंगा, नहर में डूब जाऊंगा, जनाब में डूब जाऊंगा, तो डूब जा। आपकी मामा को नहीं आप जैसा मिलना मेरे बच्चों, किसी और चीज के लिए मरो। मैं आपको यहाँ पैगाम दे रहा हूँ मुझसे रसालत के मौजूद है कि आप किसी के लिए मरोगे आपकी बरादरी में भी आपका नाम नहीं होगा, मगर गाजी मोदी मुस्तफा के लिए मरा 90 साल बाद भी नासिरुद्दीन का नाम रहेगा। आज कितने मेरे बच्चे बैठे हैं मुझसे रसालत के लिए जान दो। हमने फेसबुक जख्मी कर दिए, दिलाई तीर मार मार के दिल का बेड़ा कर दिया, कितने ग्यारह चीज किस्तों चल पड़े। और फिर मसनूई लफ्ज, मसनूई किसी की जिंदगी से खेलना ये इंसानियत। फिर कसते इन्हें अजीब ने रक्षित वेदे वेदे जान ट्रक चबाई थी, फिर मामा जी मेरे पुत्र शहीद हो गए, ये नहीं पता किसने फिर ना शहीद हो चलिया। तेरे नबी दे कोल तू जाना है क्या मत, ते हजूर के सामने जो बाजू के नाम लिखा होया स्पेलिंग च ते की बताएगा कि सोनिया तुसी ते काफर दी धी दा सर कटिया सी और मैं मुस्लिम बेटी का नाम अपने पास लिखिया। कई पिछू बनाए, कई स्पेलिंग लिखे, लड़कियां दे नाम तीर मारे ने, ब्लेड मार मार के खून कट के फेसबुक ते लाइव पाते हैं, चलिया तां कि फरिश्ते वेख के आके इंटरनेशनल बगैरता है। कितने मेरे बच्चे हैं, कितने नौजवान, ये शरीयत कॉलेज के बच्चे इस तरह के नहीं है। मैं आपके बारे में इस तरह का ज़हन नहीं रखता, मैं बदगुमान नहीं हूँ, मैं आपको अपने से ज्यादा नेक समझता हूँ। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ऐसे करते हैं, मुझे उम्मीद है आप में एक भी एक जैसे इस दिन जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप शरीयत कॉलेज में ऐसे उस्तादों से तालीम ले रहे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, इस्लाम भी सिखाते हैं, दुनिया भी सिखाते हैं। कितने मेरे बच्चे वादा करते हैं कि हमने आज के बाद बाजू पे किसी का नाम नहीं लिखना, वादा कर जरा, पहले भी नहीं लिखते। शुक्रिया शुक्रिया, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, इसलिए तो अल्लाह जानता है बड़े आज मासूम बन के बैठे ने, जिवें सारे वजीराबाद के हाजी ये बच्चे बैठे। मैं अपने बच्चों को ये पैगाम दे रहा हूँ, मेरे बच्चों येलो शर्ट मेरे वाले मेरा चार, ओ येलो शर्ट हाँ मेरा चार बड़ी दूर खड़ा है।